जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास टेंथ मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर सांख्यिकी यानी स्टेटिक्स के अंतर्गत आज हम लोग माध्य पढ़ेंगे यानी मीन पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि ये जो पहली प्रश्नावली 14.1 है, यहाँ पर हम लोग माध्य ही पढ़ेंगे। माध्य का मतलब औसत होता है। और देखें माध्य कैसे हम निकालते हैं। हम सबसे पहले आपको बता दें कि माध्य को यक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके लिए जो फार्मूला होता है, देखिए फार्मूले तो ढेर सारे होते हैं। एक कल्पित माध्य विधि है, एक डायरेक्ट मेथड है जिसको सीधी विधि कहते हैं। तो हम आपको ऐसी विधि बताएंगे जिस विधि से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और जब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना, तो आपसे ये नहीं कहा जाता है कि किस विधि से सॉल्व कीजिए, बस आपको केवल माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा। और जो सबसे आसान विधि है, हम आपको वही विधि बता रहे हैं, उसी विधि को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। तो ये होता है सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अभी जब हम सवाल बताएंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। और बटा में होता है सिग्मा एफ आई। तो ये फार्मूला होता है माध्य निकालने का। और हम एक सवाल जब आपको बताएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और कर लेंगे इसको बहुत अच्छी तरह से। देखिए प्रश्नावली 14.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। पर्यावरण संचेतना अभियान का मतलब आसपास के लोगों के पास जाकर के उनको पर्यावरण के लिए जागरूक करना, अवेयरनेस प्रोग्राम करना, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। किसी एक मोहल्ले में गए और उस मोहल्ले के 20 घरों में गए और वहाँ पूछे या देखे कि एक घर के आसपास कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और हमारे पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक घर के लिए कितने पेड़ पौधे हैं इसका माध्य ज्ञात करना है। और देखें यहाँ पर पौधों की संख्या दी हुई है सबसे पहले, तो पौधों की जो संख्या है यह अंतराल के रूप में दिया हुआ है, इसलिए हम पौधों की संख्या को यहाँ हम लिख लेंगे अंतराल। यहाँ अंतराल हम लिख लेंगे पौधों की संख्या। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, प्रश्न में जैसे दिया हुआ है वैसे लिख सकते हैं। तो पौधों की संख्या दिया हुआ है 0 से 2, फिर दिया हुआ है 2 to 4, 4 to 6, और फिर देखें दिया हुआ है 6 to 10, और फिर जो है 10 to 12, ये आपको दिया हुआ है, और फिर 12 to 14 दिया हुआ है। ये अंतराल है। और देखिए घरों की संख्या यानी ये आपको दिया हुआ है बारंबारता। इसको बारंबारता कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जानते हैं जब अंतराल होता है ना, तो अंतराल के बाद हम माध्य पद निकालते हैं। मध्य पद कह लीजिए, मध्य पद हम निकालते हैं, मध्य पद। अब मध्य पद को हम यक्स आई से प्रदर्शित करते हैं।
मध्य पद, जानते हैं मध्य पद कैसे निकलता है? ये जो पहले आप देख रहे हैं, पहले जो है ये लोअर लिमिट है और बाद वाला जो नंबर देख रहे हैं ये अपर लिमिट है, तो इन दोनों को जोड़कर दो से भाग दे देते हैं तो मध्य पद निकल जाता है। तो देखिए जीरो और दो को जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा और दो को दो से भाग दे देंगे तो एक हो जाएगा, इसी तरह से दो और चार जोड़ देंगे तो छः हो जाएगा और छः को दो से भाग दे देंगे तो तीन हो जाएगा, इसी तरह से ये दस हो जाएगा और दस को दो से भाग दे देंगे तो पाँच हो जाएगा, फिर ये सात हो जाएगा, ये नौ हो जाएगा, फिर ये ग्यारह हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो है आपका ये 16, देखिए पहले क्या है 0 2 2 2 2 4 4 2 6, इसमें कुछ छूट गया है 0 2 2 2 2 4 4 2 6, 6 2 8, ये गलती हो गया है 6 2 8, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 8 to 10, और फिर ये हो जाएगा आपका 10 to 12, और इस तरह से होगा ये आपका। तो अब जो है ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपका 13। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, ये सब मध्य पद यही यक्ष आई होता है, ये जो यक्ष आई देख रहे हैं ना, यही यक्ष आई होता है, और इसके बाद आपको एफ आई की वैल्यू दी गई है, जो घरों की संख्या दी गई है ना, यही एफ आई होती है। तो यहाँ पर हम एफ आई, ये बारंबारता या कह लीजिए घरों की संख्या, ये आपको दिया हुआ है, देखिए 1 2, फिर दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 5, फिर है 6 2 3 दिया हुआ है। अब चलिए अगले स्टेप में क्या होगा, तो अगले स्टेप में यफ आई इंटू यक्स आई होगा, ये यफ आई है, ये यक्स आई है, अब हम यफ आई और एक्स आई का गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, फिर 9 में 6 का गुणा कर देंगे तो 54 हो जाएगा, 11 में 2 का गुणा कर देंगे 22, और 13 3 39 हो जाएगा। तो ये हो गया एफ आई इंटू यक्स आई। और जानते हैं देखिए सिग्मा का मतलब होता है जोड़, जब इस एफ आई को जोड़ देंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो सिग्मा एफ आई की वैल्यू होगी, और यहाँ सबको हम जोड़ देंगे ना तो ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू होगी। अब सबको आपको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए, देखिए तो 1 2 3 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 2 17 सॉरी 15 2 17 17 3 20, ये हो गया 20। तो सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है ये 20 हो गई। अब इसी तरह से एफ आई इंटू एक्स आई सबको हम जोड़ लें तो जोड़ के देखा जाए, देखिए 6 1 7 हो गया, 7 5 12 12 5 17 और 17 4 21 हो जाएगा, 21 2 हो जाएगा 23 और 23 और 9 हो जाएगा 32, 2 हो जाएगा हासिल 3 हो गया, और फिर 3 3 6 6 5 11 11 2 13 और 13 3 हो जाएगा 16। तो इस प्रकार इसको हम जोड़ लेंगे तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से हमको माध्य निकालना है, यक्ष बार निकालना है, तो यक्ष बार निकालने के लिए देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 162 है, और फिर नीचे हम देखें सिग्मा एफ आई की वैल्यू 20 है। ज़रा देखिए, अच्छा एक काम करते हैं, अगर 20 को हम 2 × 10 लिख लेते, सपोज कीजिए 20 को 2 × 10 लिख लेते और फिर 2 से इसको भाग दिया जाता तो 2 8 16
और दो एक्का में दो हो जाता, लेकिन यहाँ पर दो गुणे दस है, दो गुणे दस है, तो अगर केवल दो होता तो 81 आ जाता, और दो गुणे दस है इसका मतलब कि इसमें 10 से भाग दे देंगे तो दशमलव आ जाएगा, ये 8.1 हो जाएगा। तो आपसे माध्य पूछा जा रहा था कि माध्य इसका कितना होगा, तो माध्य हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो इसी तरह से माध्य ज्ञात करने के लिए जितने जो क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चनों का माध्य हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें जितने क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन हैं, और 9 क्वेश्चनों का माध्य आपको ऐसे ही ज्ञात करना है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप सभी लोग शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट तो आप करें ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।